ईटीटी के बारे में बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवा दो, कब एंट्रेंस टेस्ट होगा, एडमिशन कब होगी, अपडेट क्या है, तो आपकी इंक्वायरी जायज़ है। दूसरी बात ये भी है कि ईटीटी का स्कोप बीएड से कंपेयर हमने किया था, है ना, तो पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिल्कुल ठीक हो आप, लेकिन एक ही शब्द है ये कोर्ट कोर्ट केस जो चल रहा है, कोर्ट केस रिगार्डिंग चल रहा है कि एलिजिबिलिटी जो प्लस टू पहले थी अब ग्रेजुएशन हो गई है, तो ये विवाद है। जब तक ये विवाद सॉल्व नहीं होता, केस कोर्ट के पास है ना, ही एंट्रेंस टेस्ट की डेट आ सकती है, आने की संभावना है, फिर भी 90% चलो ऐसा सोच लेते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि कोर्ट केस के बाद ही सब कुछ होगा। हाँ, कॉलेज एडमिशन कर रहे हैं, जैसे बीएड की एडमिशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 10,000 5,000 देते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे हो रहा है सब कुछ, लेकिन प्रोसीजर जो एक्चुअल में होना है वो एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही होना है, कंडक्ट जो किया जाए आएगा, तो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी करवानी पड़ेगी। आप कह रहे हो कि तैयारी करवा दो, लेकिन ब्लाइंडली कुछ भी नहीं तैयार कर सकते। हाँ, आप जीके वगैरह कुछ ऐसी जो हमने डिस्कस किया था, सिलेबस पता नहीं किया था कि नहीं, मेरे ख्याल में उसके बेस पर आप 6th 7th की बुक्स पढ़ सकते हो, जीके में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, अवेयर रह सकते हो कि करंट क्या चल रहा है ना, लेकिन ये अभी तक श्योर नहीं है। दूसरा, एनुअल सिस्टम होने की वजह से अगर सेमेस्टर सिस्टम होता तो दिसंबर आ जाना था, सेम सिस्टम होता तो दिसंबर आ गया था, तो गड़बड़ थी। अब ये आपके पेपर ही जून में होने हैं, मई या जून में होने हैं, जुलाई में भी चले जाते, लेट भी हो जाते, ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, डाइट के एनसीईआरटी के सॉरी एससीईआरटी के पास है, तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी आपका प्रोसीजर भी कम से कम 2 महीने चल जाएगा जैसी संभावना है, तो कुछ भी सर्टन नहीं है। सर्टन क्या है? अच्छा, ये भी प्रोबेबिलिटी है, मेरा ये डिसीजन नहीं है, मैंने जो टीचर डाइट में जहाँ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डीएलएड को टीच करते हैं, उनके व्यूज़ ये हैं कि प्रोबेबिलिटी है, उनके व्यू है, मेरे व्यू नहीं है, के प्रोबेबिलिटी है कि कोर्ट केस में +2 90% संभावना है कि +2 एलिजिबिलिटी हो जाएगी, 10% है कि ग्रेजुएशन ही रहेगी। तो ये मैं कभी भी इसको सही नहीं मानता, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस नहीं किया है, तो ये विवाद कोर्ट में होने के कारण मैं किसी भी आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दे सकता। दैट इज़ वाई टीचर एजुकेटर भी, कॉलेजेस भी और स्टूडेंट भी वेट कर रहे हैं कि डिसीजन क्या आ गया, इवन गवर्नमेंट भी। हाँ, ये जो बच्चे एडमिशन कॉलेज में रजिस्ट्रेशन लेके ले ले रहे हैं, अगर ये टेस्ट वाला सिस्टम रहा तो ये मत समझना कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवा दी है वो आपकी सीट पक्की है। मेरे पास बीएड के अनेक ऐसे केस आए हैं जिन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बीएड कॉलेज में करवाई थी, 10 10,000 रुपीज़ भी जमा करवाए, स्लिप भी उनके पास है, लेकिन जब उनकी जो काउंसलिंग हुई है उनके मार्क्स कम आए, काउंसलिंग में जैसे टेस्ट में मार्क्स कम आए, उनकी वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लेते हुए कॉलेजेस ने उनको निकाल दिया। तो ये रजिस्ट्रेशन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये एक हौसला है, मीनिंग तब बनेगा अगर आप टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी करके कंपीट कर पाते हो। दैट इज़ वाई टेस्ट होने होने की संभावना 100% है, कब होनी है इसकी संभावना कोई भी नहीं पता, वो पता है कोर्ट को कि कब डिसीजन होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नई डेट्स या डिसीजन या क्या इंटरप्रिटेशन हो रही है इस कोर्ट केस की, तो वो जब भी पता चलता है आपको बता दूंगा। थैंक यू।